दोस्तों वैसे तो आप सभी को ट्रेन 18 मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सब पता होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया हुआ है ट्रेन 18 से रिलेटेड। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन 18 के नए रूट की। हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली ही रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट आ रही है ट्रेन 18 से रिलेटेड, जैसे कि इसके नए रूट, नए चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन 18 काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर चुकी है। ये पर मंथली 7 करोड़ रुपए अर्निंग कर रही है और आने वाले 12 से 15 महीनों में ये लग रहा है कि अपनी जितनी अर्निंग लगी है इसको बनाने में ये पूरी कवरअप कर लेगी दिल्ली वाराणसी के रूट पर। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस्ट बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ट्रेन 18 को 2 दिन के गैप में नहीं चलाया जाता, हालांकि ये मंडे और थर्सडे को नहीं चलती हैं लेकिन और डे ये चलती हैं। लेकिन दोस्तों इसी 2 दिन के कवरअप को रेलवे ने एक नए रूट पर डिसाइड किया है। हाँ दोस्तों, रेलवे का कहना यह है कि 2 दिन ट्रेन 18 को दिल्ली से कानपुर के बीच चलाया जाए। और हालांकि इसके ट्रायल भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, अभी थर्सडे को भी इसके ट्रायल लिए गए, मंडे को भी ट्रायल लिए गए और इस ट्रायल में सक्सेस भी हो चुकी है। लेकिन अभी पूरी तरीके से कन्फर्मेशन नहीं किया गया है, बस इसके रूट को ही ये डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रेन है और इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया सारे लोगों को। इसको बनाने में जो अर्निंग लगा है वो 100 करोड़ रुपये तक लगा हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है आने वाले दिनों में, ये अपनी अर्निंग को जितनी इसमें पैसा लगी है बनने के लिए वो कवरअप कर पाती है नहीं कर पाती है, जो भी कुछ होगा आगे के अपडेट में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा होगा, कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।